पंच संघ के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अपनी मांगों एवं शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सरपंचों को परेशान किए जाने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर को आवेदन देकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। सरपंच संघ द्वारा कलेक्टर को दिए आवेदन में मांग की गई है कि मनरेगा योजना अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में नवीन कार्य खोले जाएं, अटल भूजल योजना के तहत भी सभी पंचायत में नवीन कार्य दिए जाएं, अन्यथा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जनपद पंचायत निवाड़ी के सभी सरपंच सामूहिक त्याग पत्र देने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला प्रशासन निवाड़ी की होगी। इसके साथ साथ सरपंच संघ द्वारा कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया गया कि जनपद पंचायत निवाड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा पंचायत के कार्यों को बाधित किया जा रहा है तथा सरपंचों को धारा 40 के तहत कार्रवाई किए जाने की धमकी भी दी जा रही है। सरपंच संघ द्वारा बताया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निवाड़ी द्वारा सरपंचों को काम नहीं करने दिया जा रहा और ना ही उनके द्वारा स्वयं कोई काम किया जा रहा है तथा धमकी भी दी जाती है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, जिसको जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ ले तथा 30 रुपए की मैनेजमेंट बुक को जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा 300 रुपए में खरीदने के लिए सरपंचों को मजबूर किया जा रहा है। सरपंच संघ द्वारा बताया गया कि जनपद पंचायत के सीईओ के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा। सरपंच संघ द्वारा दिए गए आवेदन में मांग की गई कि यदि 1 अक्टूबर तक जनपद पंचायत के सरपंचों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को समस्त सरपंच अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को देने के लिए भोपाल प्रस्थान करेंगे। इस अवसर पर सरपंच संघ अध्यक्ष शिवराम तिवारी, निकेश सिंह यादव, संजीव केवट, रजनी देवी, हरिराम कुशवाहा, घनश्याम सिंह, प्रागीलाल सहित कई ग्राम पंचायत के समस्त सरपंच मौजूद थे। हम लोग एक सरपंचों की तरफ से, 71 ग्राम पंचायतों की तरफ से, सरपंच संघ की तरफ से ज्ञापन देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए थे निवाड़ी में, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत ही लाड़ला जिला है और आज यहाँ ये आके देखा कि हम लोग आज कम से कम 4-5 घंटे से बैठे हुए हैं, कलेक्टर महोदय अपने रूम से बाहर नहीं आ रहे हैं, हम लोग नारेबाजी भी करते रहे, कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, हमारे यहाँ जो मजदूरों ने कार्य किए हैं मनरेगा के अंतर्गत, हम लोग उनकी मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। इसी के संदर्भ में एक छोटा सा ज्ञापन देने के लिए आए थे। यहाँ कोई सुध-बुध नहीं है, यहाँ की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो आज हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वो आज देखने को, वही पत्रकार भाई भी हमारे साथ में थे, इन्होंने भी देखा कि ना कोई, या हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, या हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ये माननीय कलेक्टर महोदय जी करते हैं, अब आप बताइए कि आम जन के साथ क्या होगा, कैसा व्यवहार होगा, कैसा इनका शिष्टाचार होगा, एक सोचने का विषय है। क्या कलेक्टर साहब बाहर आए, अभी तो कुछ बोलेंगे, जब वो बाहर ही नहीं आए तो हम लोगों से क्या बात करेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं उन्हें कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और हम लोगों ने इस चीज़ के लिए भी कहा है कि हम लोग 2 अक्टूबर को शाम भोपाल जाके हम लोग सामूहिक रूप से 71 ग्राम पंचायतों के सरपंच सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे यदि हमारी बात को नहीं सुनी गई कलेक्टर साहब द्वारा। कितना समय हो गया आपको बैठे हुए? कम से कम 4-5 घंटे हो गए। आप नारेबाजी कर रहे थे, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हाँ तो सबको, हम लोग तैयार हैं ना, इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं भाई।